साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कई दिनों से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। शुरू में आरओ का पेपर हुआ और दो दिन से जो एआरओ की सीरीज चल रही है, मतलब असिस्टेंट डिवी ऑफिसर की, तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको ये जानने की इच्छा रहती है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे इंग्लिश में लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर जाकर अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के मात्र 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और हिंदी के भी 10 सवाल आ रहे हैं। जो सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो रीजनिंग, कंप्यूटर और बाकी पोर्शन से सब 14 नंबर के और 17 नंबर के, 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन बच्चे जो हैं पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के मात्र 10 सवाल से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आज जो पेपर था पहले के मुकाबले थोड़ा सा रीजनिंग टफ थी, क्योंकि आज के पेपर में उन्होंने मैथमेटिक्स को लेकर क्वेश्चन पूछा था, नंबर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन कंप्यूटर कहीं ना कहीं आसान था पहले के मुकाबले तो। आप और करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ पूछा था, और इंडिया जो पॉलिटी थी उसमें भी उन्होंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। तो आपको बताना चाहेंगे कि साथियों, ये जो सेंटर है गाज़ियाबाद का है, यहाँ अब सख्ती बढ़ गई है पहले के मुकाबले, क्योंकि आपको पता था कि जो बनारस का सेंटर था वो एक कैंसिल्ड हो चुका था, क्योंकि लापरवाही बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। उस तरह की लापरवाही यहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ मोबाइल ना होने से कोई प्रूफ नहीं बन पाया था, तो इस वजह से यहाँ का पेपर रद्द नहीं किया गया। लेकिन कंडीशन ये थी कि आज थोड़ी सख्ती दिखी गई, और जो टाइपिंग था मेन, जो शुरू के दिनों में जो टाइपिंग आ रही थी उसके मुकाबले आज की टाइपिंग बहुत टफ थी। वर्ड्स बहुत बड़े बड़े थे, जैसे कोर्ट रूम एग्ज़ाम से एक वर्ड था, और मतलब वर्ड बड़े बड़े थे, छोटे वर्ड्स नहीं थे। तो इसलिए टाइपिंग को लेकर आप थोड़ा सचेत रहें, और अगर आपका कीबोर्ड ख़राब है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, तो बिना संकोच आप उसको बदलवाएं, बदलवाने के बाद ही परीक्षा दें, अदरवाइज़ उस पर बिल्कुल भी परीक्षा ना दें। क्योंकि हो यह रहा है शर्म की वजह से, लोग डर की वजह से कह नहीं रहे, और उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं। मैटर बहुत छोटा छोटा है, लेकिन अब जो है डे बाई डे टाइपिंग की जो एग्ज़ाम है, टाइपिंग का जो मैटर है वो टफ होता जा रहा है। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन जो है जो पूछे जा रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन के क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। जो 10 तारीख के एग्ज़ाम में पूछे गए थे वही आज क्वेश्चन पूछे गए उसमें से 2-3। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जो पेपर दे के जा चुके हैं, जिनका CA का पेपर है, कंप्यूटर असिस्टेंट का पेपर है, तो जो पिछला आया है जहन में रहता ही है, तो उसको ज़रूर रिपीट रिविज़न कर लें, जिससे उन्हें फ़ायदा मिल सकेगा। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, और टाइपिंग को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि टाइपिंग अब डे बाई डे टफ होती जा रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।